टेलीफोन ऑपरेटर जिसके ऊपर पांच लोगों ने जो बलात्कार किया था उनमें से चार अभियुक्तों के खिलाफ आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वो चारों अभियुक्तों को आज कोर्ट ने जो गैंगरेप के आरोप में मरते तक उनको आजन्म कारावास की सजा फरमाई है। इतना ही नहीं तो कोर्ट में उन सभी को अननेचुरल सेक्स उसके लिए 10 साल की और जुर्माना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और लड़की को मारना इसके लिए कोर्ट ने भी उनको 5 साल 2 साल ये भी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आज दलील कोर्ट में जब हमने दलील पेश की तब हमने कहा कि जो टेलीफोन ऑपरेटर जो यंग लड़की थी उसकी शादी फिक्स हो गई थी और अपने मंगेतर के साथ वो यहाँ जो महालक्ष्मी टेम्पल है वहाँ वो जा रही थी, उसके पैर को चोट आई थी, इसलिए उन दोनों ने शॉर्टकट से जाने का तय किया था और वो शॉर्टकट उनके रास्ते में आया और वही शक्ति मिल से गुजरते समय वो उन पांच दरिंदों ने इस तरह से शारीरिक अत्याचार किया था कि उससे इंजरी होने के बावजूद उसको मारा था, पीटा था और कई अन्वित शारीरिक अत्याचार किया थे। कोर्ट ने हमने कहा कि ये जो चार अभियुक्त थे उन्होंने उनमें से पहले दो अभियुक्त शक्ति मिल में थे, उन्होंने तुरंत जैसे ही ये टेलीफोन ऑपरेटर उसका मंगेतर को देखते हुए एक ने मोबाइल ने अपने साथियों को फोन किया कि माल आया है। इस पे हमने कोर्ट में कहा कि इस तरह से ये चार अभियुक्त और पांचवी अभियुक्तों की माल आया यानी लड़कियों को देखते ही उनकी इज्जत लेना, उन पे अत्याचार करना ये एक इनका काम था, इसलिए लड़कियों को इस तरह से देखना और उन पे अत्याचार करना इसलिए इनकी जो डिप्राइविटी है इसलिए इनको कड़ी शासन चाहिए। कोर्ट में हमने दलील पेश करते ये भी कहा कि ये चार ही आरोपियों को आज तक कुछ रिमोर्स और कुछ पश्चाताप की भावना नहीं है, इसलिए इनको कड़ी सजा देना चाहिए। और ये चार ही अभियुक्त को कोर्ट ने जो टेलीफोन ऑपरेटर की केस है उसमें मरने दम तक आजन्म कारावास की सजा फरमाई है। बम्बई में मेरे हिसाब से ये पहली सजा है जिनको चार ही अभियुक्तों को मरते दम तक जेल में रहने की सजा दी गई है, जिसमें अभी किसी को ये अधिकार नहीं होगा कि कोई आए और कोई फेस्टिवल हो इसलिए उसकी सजा कम की जाए, ये अधिकार भी अभी उनको प्राप्त नहीं हुआ। 376 फोटो जर्नलिस्ट की केस में आज शिक्षा पर जब हम दलील पेश करने वाले थे तभी उसके पहले हमने कोर्ट में ये आर्ग्यू किया कि फोटो जर्नलिस्ट की केस इनमें से जो चार तीन अभियुक्त हैं इनको पहले ही आज कोर्ट ने टेलीफोन ऑपरेटर के गैंग रेप में दोषी पाया है। पहला जो टेलीफोन ऑपरेटर का गैंग रेप हुआ था वो 31 जुलाई को हुआ था, उसके बाद 22 अगस्त को ये तीनों आरोपी ने वापस एक फोटो जर्नलिस्ट पे गैंग रेप किया था। इसलिए कोर्ट को हमने दरखास्त की कि जो इस केस में फोटो जर्नलिस्ट के केस में कोर्ट ने जो चार्ज फ्रेम किया है उसमें रिपीटेड ऑफेंस करने के लिए ये चार्ज अमेंड करना होगा और आरोपी ने इसके लिए सोमवार तक मुदत मांगी है, सोमवार पर ये चार्ज अमेंड करना या नहीं करना इसके बारे में बहस होगी, फिर उसके बारे में उसके बाद ही सजा के ऊपर बहस होगी। 376E है क्या ये बता दीजिए। हाँ सर, सेक्शन 376E जो अमेंडेड सेक्शन अभी नया जो अपना कानून में IPC में आया है उसके मुताबिक अगर कोई गुनहगार रिपीटेड ऑफेंस करता है तो उसके लिए आजन्म कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान है, दोनों सजा का प्रावधान है। कोर्ट इसमें क्या सजा
सिलेक्ट करते हैं, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा। प्रोसिक्यूशन क्या उस पर बात करेगी, क्या दलील पेश करेंगी, ये मंडे के बाद ही तय होगा। आज कहना ये मुश्किल होगा, ये जो तीन अभियुक्त हैं, जो हमारे हिसाब से हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनके लिए क्या सजा मांगना, ये जब तय होगा, जब तब तय होगा कि जब कोर्ट अगर हमारा अमेंडेड जो हमारी प्रेयर है चार्ज के लिए अमेंड करने के लिए अगर वो एक्सेप्ट करती है तो भी उस पर विचार हो सकता है, पहले कुछ विचार नहीं हो सकता। आज शक्ति मिल कंपाउंड मधील 31 जुलैला टेलिफोन ऑपरेटर वरती ज्या मुलीवरती निघरून 5 लोकांनी बलात्कार केला होता, त्यातील 4 आरोपी ना आज मरेपर्यंत कोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे, यांना अतिशय कठोरातली कठोर शिक्षा मिळावी याकरता न्यायालयात आम्ही 5 कारणं सांगितली होती। ज्या वेळेला ही मुलगी टेलिफोन ऑपरेटर तिच्या भावी नवऱ्याबरोबर महालक्ष्मीच्या मंदिरात जात होती, तिच्या पायाला दुखापत झाली होती आणि जात असताना देखील ह्या आरोपींनी तिला अत्यंत निर्दयपणे तिला मारहाण करून तिला ओढत नेलं होतं आणि शारीरिक अत्याचार केले होते। यातले 4 आरोपी जे आहेत, कारण एक अज्ञानी आरोपी आहे, या 4 आरोपींनी 2-2 वेळा काहींनी बलात्कार केले, काहींनी तोंडात तिच्यावरती बलात्कार केला, अशा प्रकारची घाणेरडे त्यांनी कृत्य केल्यामुळे त्या मुलीने सतत ती आजही त्या मानसिक धक्क्यातून सावरली नाही हे देखील आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणलं, त्यामुळे यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी। न्यायालयाने आमचा हा आग्रही युक्तिवाद मान्य करून या 4 आरोपींना वेगवेगळ्या 376D गँगरेप खाली मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिलेली आहे। आज आम्ही न्यायालयात फोटो जर्नलिस्टच्या केसमध्ये या टेलिफोन ऑपरेटरमधील 3 जे आरोपी आहेत त्यांनी 31 जुलैला बलात्कार केल्यानंतर आपल्या इतर 2 साथीदारांसमवेत पुन्हा 22 ऑगस्टला एका फोटो जर्नलिस्टवरती बलात्कार केला होता आणि म्हणून हे सराईत गुन्हेगार आहेत आणि म्हणून यांच्या विरुद्ध 4 जो गुन्हा ठेवला जावा, नवीन गुन्हा ठेवला जावा, कारण आमचा पहिला गुन्हा जो त्यांनी टेलिफोन ऑपरेटर केला हा शाबित झालेला आहे, म्हणून आम्ही तसा अर्ज न्यायालयात दिला। आरोपींच्या वकिलांनी सोमवारपर्यंत वेळ मागून घेतली आहे, त्याच्यानंतर जर न्यायालयाने हा आरोप मान्य केला तर मग पुढे युक्तिवाद होईल। नवीन दुरुस्तीनुसार ज्या 376E मध्ये 2 शिक्षा आहेत, जन्मठेपेची किंवा फाशीची, हा देशातला पहिला प्रकार असल्यामुळे याविषयी मी आत्ताच भाष्य करू शकत नाही, परंतु निश्चितपणे जर न्यायालयाने जर आरोप दुरुस्त केली तर आम्ही त्यावरती आमचं म्हणणं मांडू। सेक्शन काय त्याबद्दल थोडं सांगा, कलमाबद्दल। बलात्कारच्या कायद्यामध्ये म्हणजे इंडियन पिनल कोडमध्ये एक नवीन कलम 376E घालण्यात आलेला आहे, ज्या गुन्हेगारांना शिक्षा झालेली आहे आणि ज्या गुन्हेगारांनी पुन्हा अशा प्रकारचं दुष्कृत्य केलं असेल, रिपीटेड गुन्हे केले असतील, तर त्यांना आजन्म कारावास किंवा फाशी असे 2 शिक्षेचे पर्याय सांगितलेले आहेत। या इतर आरोपींना, या 4 आरोपींना इतर कलमाखाली 377 खाली म्हणजे अनैसर्गिक बलात्कार करण्याबद्दल त्यांना 10 वर्ष शिक्षा, त्याचप्रमाणे मारांबद्दल 5 वर्ष, त्याचप्रमाणे त्यांना त्या मुलीला बेकायदेशीर कोंडून ठेवणं याच्याखाली देखील वेगवेगळी शिक्षा न्यायालयाने त्यांना ठोठावलेली आहे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।